देवी भागवत के नवे स्कंद के 45वें अध्याय में भक्ति दक्षिणा के प्राकट्य का प्रसंग, उनका ध्यान, पूजा विधान तथा स्तोत्र वर्णन एवं चरित्र श्रवण की फलश्रुति। भगवान नारायण कहते हैं, मुनि भक्ति स्वाहा और सदा का परम मधुर उत्तम उपाख्यान सुना चुका, अब मैं भक्ति दक्षिणा के प्रसंग का वर्णन करूँगा, तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है, गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेसी एक गोपी थी, उसका नाम सुशीला था। उसे श्री राधा की प्रधान सखी होने का सौभाग्य प्राप्त था। वह धन्य, मान्य एवं मनोहर अंगों वाली गोपी परम सुंदर थी। सौभाग्य में वह लक्ष्मी के समान थी, उसमें पातिव्रत्य के सभी शुभ लक्षण सन्निहित थे। वह साधी गोपी विद्या, गुण और उत्तम रूप से सदा शोभित थी। कलावती, कोमलांगी, कांता, कमलोचना, सुश्रोणी, सुस्तनी, श्यामा और न्यग्रोत्पय मंडिता, ये सभी विशेषण उसमें उपयुक्त थे। उनका प्रसन्न मुख सदा मुस्कान से भरा रहता था। रत्न में अलंकार उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसके शीर की कांति ऐसी थी मानो सच्चे कमल हों। बिंबाफल के समान लाल लाल उसके अधरोष्ठ तथा मृग के सदृश उनके मनोहर नेत्र थे। हंस के समान गंभीर गति से चलने वाली वह कामनी सुशीला को रति शास्त्र का सम्यक ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रेम करते थे और वह भी उनके भाव के अनुसार ही व्यवहार करती थी। एक समय परमेश्वर श्री राधा ने सुशीला को कह दिया, आज से तुम गोलोक में नहीं आ सकोगी। तंत्र श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान होंगे। तब दिव्य श्री भक्ति श्री राधा रास मंडल के मध्य राशेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगी, परंतु भगवान जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब तो श्री राधा अत्यंत विरह कातर हो उठी। उन साधी देवी को विरह का एक एक क्षण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने करुण प्रार्थना की, श्री कृष्ण श्याम सुंदर, आप मेरे प्राणनाथ हैं, मैं आपके प्रति प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करती हूँ, आप शीघ्र यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। भगवान, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं, आपके बिना अब ये प्राण नहीं रह सकते। स्त्री पति के सौभाग्य पर गर्व करती है, पति के साथ प्रतिदिन उसका सुख बढ़ता रहता है, अतः उसे धर्म पूर्वक पति की सेवा में ही सदा तत्पर रहना चाहिए। कुलीन स्त्रियों के लिए बंधु, अधिदेवता, आश्रय, परम संपत्ति स्वरूप तथा सदा स्नेह दान करने के लिए प्रस्तुत मूर्तिमान विग्रह एकमात्र पति ही हैं। पतिव्रताएं स्वामी को सम्मान प्रदान करके उनसे धर्म, शाश्वत सुख, प्रीति, शांति एवं सम्मान प्राप्त करती हैं। स्वामी ही स्त्री के लिए सर्वस्व हैं, उन्हीं की कृपा से बांधव बढ़ते हैं। वे केवल पति ही नहीं हैं, किंतु समय पड़ने पर वही उनके परम बंधु भी हैं। उसे भरण करने से भर्ता, पालन करने से पति, शीर का शासक होने से स्वामी तथा कामना की पूर्ति करने से कांत कहते हैं। वह सुख की वृद्धि करने से बंधु, प्रीति प्रदान करने से प्रिय, ऐश्वर्य का दाता होने से ईश, प्राण का स्वामी होने से प्राणनायक तथा रति सुख प्रदान करने से रमन कहलाता है। अतः कुलीन स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। पति के शुक्र से पुत्र की उत्पत्ति होती है, इससे वह प्रिय माना जाता है। पतिव्रताएं 100 पुत्रों से भी अधिक पति को प्रेम पात्र समझती हैं। उनके मन से ये धारणा कभी दूर नहीं होती, जो असत कुल में उत्पन्न है वही स्त्री पति के इस धार्मिक रहस्य को समझने में असमर्थ है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, अखिल यज्ञों में दक्षिणा दान, पृथ्वी की प्रदक्षिणा, अनेक प्रकार के तप, सभी व्रत, अमूल्य वस्तु दान, पवित्र उपासनाएं तथा गुरु, देवता एवं ब्राह्मणों की सेवा, इन श्रेष्ठ कार्यों की बड़ी प्रशंसा सुनी है, किंतु ये सब के सब स्वामी के चरण सेवन की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। गुरु, ब्राह्मण और देवता ये सभी एक से एक श्रेष्ठ हैं, किंतु इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए पति ही परम गुरु है। जिस प्रकार पुरुषों के लिए विद्या प्रदान करने वाले गुरु माने जाते हैं, वैसे ही कुलीन स्त्रियों के लिए पति हैं। भगवान, आप असंख्य गोपों, गोपियों, ब्रह्मांडों तथा वहां के निवासियों, प्राणियों के लिए एकमात्र स्वामी हैं। विश्व से लेकर अखिल ब्रह्मांड को लोक तक का साम्राज्य जो मुझे प्राप्त है, वे केवल आपकी कृपा का ही प्रसाद है। स्त्री स्वभाव मिटता नहीं, अतः मैं
आपके रहस्य को ना समझकर कभी कभी इस प्रकार का दुराव कर बैठती हूँ, आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार कहकर श्री राधा भक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। प्रेम के कारण उनकी आंखों से आंसु ढल रहे थे। नाथ नाथ की करुण ध्वनि उनके मुख से निकल रही थी। वियोग के कठिन दुख का अनुभव करती हुई वे दैत्य भाव से कह रही थी, प्रभु अब तुरंत दर्शन देने की कृपा कीजिए। तदनंतर श्री कृष्ण ने प्रकट होकर राधा के विरह ताप को शांत किया। माने उसी समय का प्रसंग है, श्री राधा की सहचरी सुशीला नाम की जो गोपी थी, जिसे राधा ने गोलोक से च्युत होने के लिए कह दिया था, वहां से चलकर देवी दक्षिणा के नाम से प्रकट हुई थी। इनके प्रकट होने का प्रसंग इस प्रकार है, दीर्घ काल तक तपस्या करके भक्ति लक्ष्मी के विग्रह में उसने स्थान प्राप्त कर लिया था। अत्यंत कठिन यज्ञ करने पर भी देवताओं के सामने फल उपस्थित नहीं होता था। वे सभी उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया। बहुत समय तक भक्तिपूर्वक ध्यान करने के पश्चात उन्हें आदेश प्राप्त हुआ, स्वयं भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के दिव्य विग्रह से मृत्यु लक्ष्मी को प्रकट किया और दक्षिणा नाम रखकर उसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संबंधी कार्यों की संपन्नता के लिए देवी दक्षिणा के यज्ञ पुरुष के पास रहने की व्यवस्था कर दी। उसने यज्ञ पुरुष का मन आनंद से भर गया। उन्होंने विधि के साथ भक्ति दक्षिणा की पूजा और स्तुति की। उन देवी का वरण तपाए हुए सन के समान था। प्रभा ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हूँ। उनका अत्यंत कमनीय विग्रह मन को मुक्त कर देता था। कमल के समान मुख वाली वे कोमलांगी देवी कमल जैसी विशाल नेत्रों से शोभा पा रही थी। भक्ति लक्ष्मी से प्रकट उन आदरणीय देवी के लिए कमल ही आसन भी था। शुद्ध चिन्ह में वस्त्र उनके शीर की शोभा बढ़ा रहे थे। उन सादी का होठ सुपक्व बिंबाफल के सदृश था। उन्होंने अपने केश कलाब में मालती के पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई थी। वे रत्न निर्मित भूषणों से विभूषित थी। उनका सुंदर वेश था, उन्हें देखकर मुनियों का मन भी मुग्ध हो जाता था। कस्तूरी मिश्रित चंदन से बिंदी के रूप में अर्धचंद्राकार तिलक उनके लाट पर शोभा पा रहा था। केशों के समीप सिंदूर की एक छोटी बिंदी थी। उनके रहने का स्थान भी जगमगा रहा था। सुंदर नितंब बृहित श्रोणी और विशाल वक्ष स्थल से वे शोभा पा रही थी। फिर ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार यज्ञ पुरुष ने उन देवी को अपनी सहधर्मी बना लिया। कुछ समय बाद देवी दक्षिणा गर्भवती होगी। 12 दिव्य वर्षों के बाद उन्होंने संपूर्ण कर्मों के फल स्वरूप श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। कर्म समाप्त होने पर फल प्रदान करना उस पुत्र का सहज गुण हुआ। अतः वेदज्ञ पुरुष इस प्रकार कहते हैं कि भगवान यज्ञ देवी दक्षिणा तथा अपने पुत्र फल से संपन्न होने पर ही कर्म का फल प्रदान करते हैं। नारद, इस प्रकार यज्ञ पुरुष दक्षिणा तथा फलदाता पुत्र को प्राप्त करके सबको कर्मों का फल प्रदान करने लगे। तब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मैंने धर्मदेव के मुख से ऐसा सुना है, अतः मुनि कर्ता को चाहिए कि कर्म करने के पश्चात तुरंत दक्षिणा दे दे, तभी सद्य फल प्राप्त होता है। ये वेदों की स्पष्ट वाणी है। यदि देववश अथवा अज्ञान से यज्ञकर्ता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ही ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दे देता तो उस दक्षिणा की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और साथ ही यजमान का संपूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण का स्वत्व अपहरण करने से वह अपवित्र मानव किसी कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता। उसी पाप के फल स्वरूप उस पाप की मानव को दरिद्र और रोगी होना पड़ता है। लक्ष्मी अत्यंत भयंकर शाप देकर उनके घर से चली जाती है। उनके दिए हुए श्राद्ध और तर्पण को पितर ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे ही देवता उनकी की हुई पूजा तथा अग्नि की वे दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं करते हैं। यज्ञ करते समय कर्ता ने दक्षिणा संकल्प कर दी किंतु दी नहीं और प्रतिग्रह लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं, तो ये दोनों व्यक्ति नरक में इस प्रकार गिरते हैं जैसे रस्सी छूट जाने पर घड़ा। विप्र, इस प्रकार की ये रहस्यमय बातें बतला दी, तुम्हें पुनः क्या सुनने की इच्छा है? तो नारद जी ने पूछा, मुनि दक्षिणाहीन कर्म के फल को कौन भोगता है?
साथ ही यज्ञ पुरुष ने भक्ति दक्षिणा की किस प्रकार पूजा की थी ये भी बताइए। तो भगवान नारायण कहते हैं, मुनि दक्षिणाहीन कर्म में फल ही कैसे लग सकता है, क्योंकि फल प्रसव करने की योग्यता तो दक्षिणा वाले कर्म में ही है। मुने बिना दक्षिणा का कर्म तो बलि के पेट में चला जाता है। पूर्व समय में भगवान वामन बलि के लिए आहार रूप में इसे अर्पण कर चुके हैं। नारद, अशोक्त्री और श्रद्धाहीन व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध में दी हुई वस्तु को बलि भोजन रूप से प्राप्त करते हैं। शूद्रों से संबंध रखने वाले ब्राह्मणों के पूजा संबंधी द्रव्य, निषिद्ध एवं आचारहीन ब्राह्मणों द्वारा किया हुआ पूजन तथा गुरु में भक्ति न रखने वाले पुरुष का कर्म, ये सब बलि के आहार हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मुनि, भक्ति दक्षिणा के ध्यान स्तोत्र पूजा की विधि के क्रम तन्वय शाखा में वर्णित है, वे सब मैं कहता हूँ सुनो। पूर्व समय में कर्म फल प्रदान करने वाली भक्ति दक्षिणा जब यज्ञ पुरुष को प्राप्त हुई तब वे उसके सुंदर रूप पर मोहित हो गए। ऐसी स्थिति में उन्होंने उन देवी की स्तुति की। यज्ञ पुरुष ने कहा, महाभागे, तुम पूर्व समय में गोलोक की एक गोपी थी। गोपियों में तुम्हारा प्रमुख स्थान था, राधा के समान ही तुम उनकी सखी थी। भगवान श्री कृष्ण तुमसे प्रेम करते थे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। कुछ कार्य के अंतर उपस्थित हो जाने के कारण तुम भक्ति महालक्ष्मी के दक्षिण कंधे से प्रकट हुई थी, अतः तुम्हारा नाम दक्षिणा पड़ गया। शोभने, तुम इससे पहले परम शीलवती होने के कारण सुशीला कहलाती थी। तुम ऐसी सुयोग्या देवी श्री राधा के शाप से गोलोक से च्युत होकर दक्षिणा नाम से संपन्न होकर मुझे सौभाग्यवश प्राप्त हुई हो। सुभगे, तुम मुझे अपने स्वामी बनाने की कृपा करो। तुम्हें यज्ञशाली पुरुषों के कर्म का फल प्रदान करने वाली आदरणीय देवी हो। तुम्हारे बिना संपूर्ण प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति में कर्मियों का कर्म भी शोभा नहीं पाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा दिक्पाल प्रभृति सभी देवता तुम्हारे न रहने से कर्मों का फल देने में असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मा स्वयं कर्म रूप हैं, शंकर को फल रूप बताया गया है, मैं विष्णु स्वयं यज्ञ रूप से प्रकट हूँ, इन सब में सार रूप तुम्ही हो। फल प्रदान करने वाले पर ब्रह्म और निर्गुणा भक्ति प्रकृति तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ही सहयोग से शक्तिमान बने हैं। कांते, तुम ही मेरी शक्ति हो। वरानने, तुम जन्म जन्मांतर में निरंतर मेरे समीप रहो और मैं तुम्हारे संपूर्ण कार्यों में सहायता देने में सफल बना रहूं। यज्ञ पुरुष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी भक्ति दक्षिणा प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हो गई और उन महाभाग यज्ञ को उन्होंने अपना स्वामी बना लिया। ये भक्ति दक्षिणा का स्तोत्र है। जो पुरुष यज्ञ के अवसर पर इसका पाठ करता है उसे संपूर्ण यज्ञों के फल सुलभ हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। सभी प्रकार के यज्ञों के आरंभ में जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके सभी यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं, ये ध्रुव सत्य है। ये स्तोत्र जो कह दिया, अब ध्यान और पूजा विधि सुनो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि शालग्राम की मूर्ति में अथवा कलश पर आवाहन करके भक्ति दक्षिणा की पूजा करे। ध्यान यूं करना चाहिए, भक्ति लक्ष्मी के दाहिने कंधे से प्रकट होने के कारण दक्षिणा नाम से विख्यात ये देवी साक्षात कमला की कला है। संपूर्ण यज्ञ या आदि कर्मों में अखिल कर्मों का फल प्रदान करना इसका सहज गुण है। यह भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा है, सबने इसकी वंदना की है। ऐसी शोभा शुद्धिदा शुद्धि रूपा एवं सुशीला नाम से प्रसिद्ध भक्ति दक्षिणा की मैं उपासना करता हूँ। नारद, इसी मंत्र से ध्यान करके विद्वान पुरुष मूल मंत्र से इस वरदायिनी देवी की पूजा करे। पाद्य अर्ध्य आदि सभी इसी विदोक्त मंत्र के द्वारा अर्पण करने चाहिए। मंत्र ये है, ओम श्रीम क्लीम ह्रीम दक्षिणाय स्वाहा। सुधीजनों को चाहिए कि सर्व पूजता इन भक्ति दक्षिणा की अर्चना भक्ति पूर्वक उत्तम विधि के साथ करें। ब्राह्मण, इस प्रकार भक्ति दक्षिणा का उपाख्यान कह दिया। ये उपाख्यान सुख प्रीति एवं संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाला है। भूमंडल पर रहने वाला भारतवर्ष का जो भी पुरुष देवी दक्षिणा के इस चरित्र का सावधान होकर श्रवण करता है उसके कोई कर्म अधूरे नहीं रह सकते। पुत्रहीन पुरुष गुणवान पुत्र के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। जो भार्याहीन हो उसे परम सुशीला सुंदरी पत्नी सुलभ हो जाती है।
साथ ही उसका घर कुलीन पुत्र वधु से भी संपन्न हो जाता है। पुत्र उत्पन्न करना, विनय, मधुर भाषण, पातिवृत्य तथा शुद्ध आचरण, ये सभी सद्गुण उस पुत्र वधु में रहते हैं। विद्याहीन विद्वान, त्रिद्री धनवान, भूमिहीन भूमिवान तथा प्रजाहीन व्यक्ति श्रवण के प्रभाव से प्रजामान बन जाता है। संकट, बंधु विच्छेद, विपत्ति तथा बंधन के अवसर पर 1 महीने तक इसका श्रवण करके पुरुष इन सभी विषम परिस्थितियों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह से अध्याय 45 पूर्ण हुआ।